नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवास उदयनगर तहसील के ग्राम राता तलाई और भीकूपुरा की ग्रामीण आज मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण केशव सिंह और शिवराम चौहान और ने बताया कि हमारे खेत पर जाने के रास्ते पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इस रास्ते पर पहले भी कुछ लोगों ने कब्जा किया था। हमारी शिकायत के बाद तहसीलदार पटवारी ने वहां पर जाकर कब्जा हटवाकर कार्रवाई की थी। इस रास्ते पर फिर से कुछ समय बीत जाने के बाद कब्जा कर लिया गया, ऐसे में हमारे खेत पर नहीं जा पा रहे हैं और विवाद की स्थिति बन रही है, इसको लेकर हमने कलेक्टर कार्यालय में आज आवेदन दिया है। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। कहाँ से आप आए और क्या समस्या लेकर आए? साहब, हम तो सिर्फ हमको रास्ता चाहिए खेत में जाने का, राता तलाई से आए। हाँ, बागली तहसील। कितने लोगों का, कितने किसानों का रास्ता है ये? 5 किसानों का रास्ता है। कब से है रास्ता ये? ये रास्ता तो सर पुराना बहुत, 32-40 साल हो गए। हाँ सर, तो किनने कब्जा कर लिया अभी, क्या है रास्ते? ये कब्जा कमल जायसवाल ने कर लिया और सुनील और संजू ने बेच दी उनको जमीन। और पहले भी ऐसा विवाद उठाता था, तब कब्जा मिल गया था? हाँ मिल गया था हमको, मतलब रास्ता तहसीलदार और ये सभी पटवारियों ने रास्ता दिला दिया था। फिर आप इनने खरीद ली तो ये कब्जा? हाँ, कर रहे हैं? हाँ, ये कब्जा खड्डा खुदवा दिया वहाँ पे रोड रास्ता पे। ये कलेक्टर साहब से मिले, क्या बोले कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने वो बोल दिया, बोले के दर्ज प्रकरण दर्ज करवाएंगे। जी, आपका नाम? शिवराम चौहान। दादा बताइए, आप कहाँ से आए हैं अभी कलेक्टर ऑफिस, तो क्या कुछ समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? हम उदयनगर तहसील के ग्राम भीकूपुरा एवं राता तलाई के किसान आए हैं और हम जनसुनवाई में आवेदन दिया है कि हमारी जो खेतों में जाने की 4-5 किसानों का जो रास्ता है उसको कुछ भूमाफियाओं ने रोक दिया है। दबंगई लोगों का हमको बार बार परेशान किया जा रहा है। पहले भी कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, तहसीलदार साहब ने मौके पर जाके रास्ता खुलवाया और उन लोगों को दंडित भी किया है और गोचर भूमि जो है वो अपने कब्जे में कर रखी है और उसी वजह से, और ग्राम आबादी की जमीन है वहाँ से हमारा रास्ता होके जाता है, इस कारण से सब उन लोगों की नज़र है और वो हमको परेशान कर रहे हैं और वो जमीन बेच दी है उसमें से बागली के कमल जायसवाल को, और वो जमीन बेची है तो हमारा रास्ता भी उसमें बता रहा है, जबकि तहसीलदार साहब और RI और इन लोगों का पूरा महकमा वहाँ दल बल सहित गए थे। उन्होंने रास्ता शासकीय बताया कि भाई आपका ये बहुत पुराने समय से है और ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से भी पारित हुआ है कि पुराना रास्ता और बेवाटी है और ये खेतों में जाने का है तो उसको सुधारने का भी आदेश दिया था। तहसीलदार साहब ने मौके पर उस कब्जा हटवाया और उसको बोला कि भाई ये रास्ता आप अच्छा कर लो, कोई बार बार इसको कब्जा ना करे, आप काफ़ी समय से आपकी आप व्यथित हो, और वो रास्ता खुला कराया गया और वो पुनः बागली के कमल जायसवाल ने वो रास्ता रोक के उसमें खुदवा दिया, गड्ढे खुदवा दिए कि यहाँ मेरी जमीन है, जबकि वो शासकीय जमीन और शासकीय जमीन से रास्ता ये बागली का स्टाम्प वगैरह और रजिस्ट्री करने वाला है। और इन्होंने जमीन खरीदी क्या अभी है? हाँ, उसने सुनील संजू सिर्वी से जमीन खरीदी 25 acres और वहाँ मौके पर जमीन है नहीं, नाला है, नाले की मत की जमीन है और हमारा रास्ता है। अभी कलेक्टर साहब से हमने चर्चा करी, क्या कुछ बोला उन्होंने? कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया कि आपका तुरंत पहले तो रास्ता हम खुलवाते हैं और इसकी जांच करवाते हैं और जो ऐसे अपराध किए उनको हम दंडित करेंगे। अच्छा, ये कमल जायसवाल कोई नेतागिरी भी करता है क्या BJP? हाँ, ये सांसद प्रतिनिधि पिछले कार्यकाल में रहे थे और अभी भी वही सांसद साहब जीत के आए, तो अब उनके हौसले बुलंद है और हमारे विधायक महोदय और इन लोगों के भी साथ में ये रहते हैं तो इनका ये प्रेशर बना के रखते हैं, अधिकारियों पे प्रेशर के कारण इन्होंने सीमांकन करवाया और इनकी मर्जी से हमारे रास्ते भी चिन्हित किया और उस पर उन्होंने JCP चला के रास्ते को खुदवा दिया और बोला कि मैं तार फेंसिंग करूंगा। और उनके जो है उन लोगों ने, हम एजेंट है, वो बोल रहे हैं कि कल ही फोन आया था कि भैया आप ये जमीन है तो या खरीद लो और नहीं तो दूसरे जो है वो लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो ऐसे हमारे ऊपर दबाव बना, जबकि वह मौके पर जमीन है नहीं, नाला है वहाँ पे। और हम तो कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया कि आप मौके पर जाँच करवाइए, वहाँ शासकीय नाला है और रास्ता है, जमीन
मौके पे है ही नहीं, कागज पेपर पे है। आपका परिचय? मैं केसर सिंह सिरवी, ग्राम भिकुपुरा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।